क्या अमेरिका के बेस को घेर लिया गया है? तुर्की में आखिर क्या बवाल मचा है? और तुर्की में क्या और भी समस्याएं हो रही हैं? तो क्या अमेरिकी B-1 बॉम्बर भी खतरे में है? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ MQ-9 रीपर ड्रोन क्या कर रहा है? और इन सब के बीच में कनाडा की स्पेशल फोर्स क्या इजराइल में उतरी है? और जहां ये सब कुछ हो रहा है, तो ईरान से भारत ने क्या बात की है? डॉक्टर एस जयशंकर की क्या बात हुई है ईरान से? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, इस आर्टिकल राइटर की आर्टिकल है, जिसमें प्रो पैलेस्टीन ग्रुप के लोग पूरी भीड़ वो तुर्की में एक बेस है, उस बेस को घेर कर खड़ी हो गई और जिस तरीके से बवाल मचा, इस बवाल के बीच में तुर्की की सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा। France 24 की रिपोर्ट देख सकते हैं, तुर्की की पुलिस ने टीयर गैस इस्तेमाल किया लोगों को भगाने के लिए। अमेरिका का बेस तुर्की में है, आपको बता दें अमेरिका का जो ये बेस है, ये बेस क्यों है? तो सबसे पहले ये बेस है इसलिए क्योंकि तुर्की एक नाटो मेंबर देश भी है और नाटो मेंबर देश होने की वजह से यहाँ पर इनकरलिक में एक बेस बनाया है अमेरिका ने। अब घटनाक्रम कैसे कैसे बदलता है देखिए। तुर्की के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, हाल फिलहाल में तुर्की इस पूरे युद्ध में बहुत एक्टिव भी दिख रहा है, सैनिकों के मामले में नहीं, लेकिन अर्दोगन ने कई सारी ऐसी बयान दिए हैं जिस बयान को प्रो फिलिस्तीन प्रो हमास माना गया। जैसे कि अर्दोगन ने हमास के लिए कहा कि ये कोई आतंकी संगठन नहीं है और हमास का समर्थन किया। इसके बाद तुर्की ने अपने राजदूत को निकाल लिया और यहाँ पर राजदूत के निकालने के बाद स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, तुर्की ने कहा कि गाजा में जो ये खूनी संघर्ष हो रहा है, इसको रोकने का काम तुर्की का है। हालांकि तुर्की ने ये सारी बातें कब कही, जबकि वो एक नाटो मेंबर था। आपको बताएंगे कि किस तरीके से जिस बेस में ये हंगामा हुआ है, स्क्रीन पर आप देखिए, इस भीड़ को ये शेयर किया गया है इजराइल के वॉर रूम के द्वारा। इस भीड़ को तीतर बितर करने के लिए सरकार को कई सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है अमेरिका का एयरबेस। स्क्रीन पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें इजराइल ने कहा जा रहा है कि गाजा में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया गया है और इजराइल बड़े स्तर पर कार्रवाई के लिए मन बना रहा है, कार्रवाई करने के लिए जा रहा है। तो वहीं क्या हो रहा है, वियोन की ये रिपोर्ट देखिए, कहा जा रहा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन बंधकों का लोकेशन जानने के लिए इजराइल की यहाँ पर मदद कर रहा है। इस कटिंग में भी देख सकते हैं आप। इसके अलावे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अमेरिकन फोर्स इजराइल के साथ मिलकर जो 200 बंधक हैं उनको ढूंढने के काम में लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंधकों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल के ही बंधक हैं, कई देशों के बंधक हैं, अमेरिका के भी बंधक हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका बंधकों के मामले में बहुत सीरियस होकर यहाँ ढूंढ रहा है। इन सब के बीच हमने देखा ही कि किस तरीके से अमेरिका ने 300 और सैनिकों की तैनाती की है और ये तैनाती कहाँ की है, मिडिल ईस्ट में की है। मिडिल ईस्ट में कई सारे बेस हैं अमेरिका के और वहाँ पर अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती की है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण खबर आई, अमेरिका ने अपने सबमरीन को भेज दिया है। CIA के डायरेक्टर इजराइल पहुंचे हैं और न्यूक्लियर सबमरीन पहुंची हुई है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भूमध्य सागर में यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय किया गया है, ये US सेंट्रल कमांड ने खुद कहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट मॉनिटर इसकी एक रिपोर्ट देखिए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कनाडा ने भी एक खास फोर्स की टीम को इजराइल में डिप्लॉय किया हुआ है। कनाडा यहाँ पर इजराइल के समर्थन में पूर्ण रूपेण खड़ा है। पर इन सब के बीच में एक खबर आई, जिस खबर ने बड़ा चर्चा बनाया और वो खबर क्या थी, खबर ये थी कि कहा गया कि क्या सऊदी के यहाँ पर
अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। अब ये खबर एकाएक वायरल होने लगी और इस तरीके की वायरल होने लगी कि कई लोगों के द्वारा ये शेयर किया जाने लगा। कई लोग ये कहने लगे कि क्या ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। और ये जो कई लोग हैं, इन कई लोगों में जरदारी की पोती भी शामिल थी। इसने भी इस रिपोर्ट को शेयर किया और शेयर करके कहा कि सऊदी अरब ने इजराइल की सुरक्षा के लिए अपने देश में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने दिया, ये तो बहुत गलत बात है। पर आपको बता दें, अमेरिका ने क्लियर किया कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब के पास उसका खुद का एक पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो उसने तैनात किया होगा हिजबुल्लाह के खिलाफ, हुती विद्रोहियों के खिलाफ। खैर, जहाँ ये सारा कुछ घटनाक्रम हो रहा था, तो ये जो बेस है ना, जिस बेस को घेरा तुर्की के आम लोगों ने, वो बेस है कौन सा और आखिर उसी बेस को क्यों घेरा, तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। दरअसल ये वो बेस है जिस बेस पर हाल ही में अमेरिका ने अपने बॉम्बर B-1B बॉम्बर को तैनात किया है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। और ये बॉम्बर तैनात किया गया है ताकि इजराइल की सुरक्षा की जा सके। और जैसे ही ये खबर मिली है, वैसे ही यहाँ पर फिलिस्तीन समर्थक ग्रुप इसे घेरने के लिए पहुँच गए हैं। हमने पहले भी आपको बताया क्यों पहुँचा है ये B-1 बॉम्बर। तो जाहिर सी बात है, नाटो सदस्य है और नाटो सदस्य होने की वजह से यहाँ पर पेंटागन ने डिप्लॉयमेंट किया। अब ये तुर्की के लिए सबसे बड़ा काम हो गया कि इसकी रक्षा करे। तुर्की ने पहले ही साफ कर दिया था कि देखो, हम इस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और जहां तक B-1 बॉम्बर की तैनाती है, ये बहुत पुराना हमारा सोचा हुआ काम था। ऐसा कुछ नहीं है कि इस युद्ध के बीच में तैनाती की गई है। पर अब सवाल ये उठता है कि B-1B लैंसर बॉम्बर जो यहाँ पर तैनात है, स्क्रीन पर इस कटिंग को देख सकते हैं आप, तुर्की के इनकरलिक बेस में, अब यहाँ इसके लिए थोड़ी सी समस्या खड़ी हो गई है। खैर, यहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और चीज हुई है। हमने आपको बताया था, जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, कि ईरान ने भारत से मदद मांगी और भारत से ये कहा कि भारत इस जंग को रोके, ये जो गाजा में चल रहा है इसको रोकने की कोशिश करे भारत। भारत से मांग करने के पीछे एक बड़ा कारण है। कारण ये है कि इजराइल भारत का बढ़िया वाला दोस्त है। पर भारत के डॉक्टर एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बातचीत करी और बातचीत करने के बाद इन्होंने कहा कि हाँ जी, जो यहाँ पर सिचुएशन है, कठिन सिचुएशन है, वहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ। इन्होंने कहा कि हम फलस्तीन को लगातार जो मानवीय सहायता है वो भेजते रहेंगे। साथ ही साथ इजराइल हमास वॉर को लेकर इन्होंने कहा कि देखो, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस सिचुएशन में हम आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। खैर, एक बात तो साफ है, भारत ने रुख साफ कर दिया है कि हम इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दों को लेकर अपनी पॉलिसी नहीं बदल रहे हैं, लेकिन आतंकवाद को लेकर हमारी पॉलिसी नहीं बदली है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।